फैक्ट नंबर एक। एक बार एक दुकानदार जो 5 रुपए की ब्रेड बेचता था, उसे ब्रेड की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना सरकार की परमिशन के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए वो दुकानदार एक सरकारी अधिकारी के पास पहुंचा और उसे बोला कि मुझे ब्रेड के दाम 5 रुपए से 10 रुपए बढ़ाने। उस अधिकारी ने बोला, नहीं नहीं भाई, तुम 10 रुपए की जगह पर ब्रेड के दाम 30 रुपए कर दो। ये सुनकर खुश होकर निकल गया, लेकिन दूसरे दिन ही दुकान से सामान खरीदने वाले लोग एक ब्रेड की 30 रुपए की कीमत देखकर भड़क गए और सभी लोग उस सरकारी अधिकारी के पास गए और बोले, ये दुकानदार अत्याचार कर रहा है, एक ब्रेड 30 रुपए में बेच रहा है, हमें लूट रहा है। इस पर उस अधिकारी ने उस दुकानदार को बुलाया और कहा, ये मेरी जनता है, तू उन्हें भूखा नहीं मार सकता, इसलिए तुम कल से एक ब्रेड को आधे दाम में ही बेचोगे, ये मेरा आदेश है। ये सुनकर सारी जनता सरकार की तारीफ करने लगी और इसके बाद से 5 रुपए की ब्रेड 15 रुपए में बिकने लगी। फैक्ट नंबर दो। कई बार अमीरों के शौक ही उनकी जान के लिए मुसीबत बन जाते हैं। कैसे? टाइटैनिक जहाज जो कि आज से 111 साल पहले डूब चुका है, उसे देखने के लिए दुनिया के 5 बड़े अरबपतियों ने, जिसमें से एक पाकिस्तान से था, उन्होंने पर पर्सन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और गहरे समंदर में सबमरीन से चले तो गए, पर अब वो सबमरीन समंदर में पिछले 4 दिनों से लापता है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे ए2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल 19 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से सालों पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर एक सबमरीन समंदर में निकली। इन 5 लोगों में से एक पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी शामिल था, लेकिन समंदर में उतरने से 1.5 घंटे बाद ही वो सबमरीन अटलांटिक महासागर में रडार से गायब हो गई, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दुख की बात यह है कि उस सबमरीन में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था।